विंटन शर्फ एंड बॉब कान एक्चुअली स्टार्टेड टू इन्वेंट समथिंग जिससे हमारी दुनिया को नई ऊंचाई की तरफ ले जाया जा सकता था, दी इंटरनेट विच रैक्स अपॉन द मोस्ट वर्ल्ड चेंजिंग इन्वेंशंस। तो क्या आप जानते हैं हु ओन्स द इंटरनेट या हु एक्चुअली कंट्रोल द इंटरनेट? क्या आप जानते हैं दुनिया के पहले ब्राउजर का नाम? देयर आर 7 पीपल हु हैव द कीज दैट एक्चुअली शट डाउन द इंटरनेट। तो आइए समझते हैं द स्टोरी ऑफ इंटरनेट एंड हु एक्चुअली ओन्स दो 7 कीज। स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो हम डेडिकेट करना चाहते हैं इंटरनेट को। 1960s द फादर ऑफ इंटरनेट, जिनका असल नाम है विंटन शर्फ, इनको एक आइडिया आता है विच वॉज टू कनेक्ट द इंटरनेट फ्रॉम इच अदर, या फिर उनकी भाषा में कहा जाए तो अ कंप्यूटर जेनरेट्स अ पीस ऑफ डाटा एंड देन फ्लिंग्स इट इनटू द नेट जस्ट लाइक पोस्ट सर्विसेज। द कंसिक्वेंसेज ऑफ द आइडिया टू गेट मशीन्स टॉकिंग टू ईच अदर एंड कुड स्पीक मेनी डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑल एट द सेम टाइम बाई सेंडिंग पैकेट्स आउट टू ईच ऑफ देम वेन एवर देयर वॉज अ पीस ऑफ डाटा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि इसकी ज़रूरत क्या थी, वो वायर्स को भी तो यूज़ कर सकते थे। बट द प्रॉब्लम इज आज के ज़माने में भी जब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, इफ़ वी वॉन्ट टू कनेक्ट 10 कंप्यूटर्स वी नीड 45 वायर्स विच इज अ टोटल। विंटन शर्फ और बॉब कान दोनों इस आइडिया के बारे में बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी और यहाँ उन्हें फंड मिला एक एजेंसी से जिसका नाम है एयरपेनेट, विच इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। पर इंटरनेट अभी भी बस एक सोच का हिस्सा था। असल प्रश्न तो यह था कि कैन विंटन शर्फ एंड बॉब कान मेक दिस वर्क ऑन ए नेशनल स्केल। तो उन्होंने उसे बनाना शुरू किया और पहली बार ऑपरेट किया इन द ईयर 1969, जो कि काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। बट इट वॉज नॉट द कम्प्लीट सॉल्यूशन। शर्फ एंड बॉब कान एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटेड देम ऑन अ वायरलाइन कनेक्शन डेडिकेटेड टू इच कंप्यूटर। पर अब वो चाहते थे उसे वायरलेस बनाना, जिसके लिए उन्होंने रेडियो टाइप कनेक्शन सैटेलाइट्स टू कनेक्ट शिप्स दैट आर वेरी फार अपार्ट। तो उन्होंने धीरे धीरे उसे भी बनाना शुरू किया। अब यहाँ पर उनके सामने द इंटर प्रॉब्लम आती है, जिसका मतलब सबको कनेक्ट करना। फ्रॉम मार्च 1973 टू सितंबर 1973 उन्होंने हर मुमकिन रास्ते को अपनाया। सितंबर 1973 विंटन शर्फ ने पहली बार पेपर में पब्लिश किया व्हाट इंटरनेट कैन एक्चुअली डू। बट विंटन शर्फ उस समय उसका नाम दिया था प्रोटोकॉल फॉर पैकेट नेटवर्क इंटर कम्युनिकेशन। दिसंबर 1974 दे एक्चुअली टर्म दिस एज इंटरनेट। ऑन 1 जनवरी 1983 विंटन शर्फ ने पहली बार इंटरनेट को चालू किया और इसे डेट को एज इंटरनेट का बर्थडे भी माना जाता। अब जब हम ये जानते हैं इंटरनेट की क्या कहानी है, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर हु ओन द इंटरनेट। वेल अकॉर्डिंग टू इंटरनेट वर्ल्ड स्टैटिक्स एज ऑफ June 30, 2018 देयर वेर 4.2 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट। और अगर मैं ये कहूँ तो शायद आप लोगों को आश्चर्य नहीं होगा कि आप में से ही कई लोग इंटरनेट के बिना जी भी नहीं सकते, विच इज समहाउ रिलेटेबल टू नोमोफोबिया। खैर वो एक अलग टॉपिक होगा जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट द क्वेश्चन दैट मैटर्स एट दिस पॉइंट इज हु रियली ओन द इंटरनेट। अगर इसका सबसे सरल जवाब होगा नो वन एंड एवरी वन। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आए होंगे दैट हु इज आइकन इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स एंड हाउ डू वी रियली ओन द इंटरनेट। वेल दिस क्यूरियस क्वेश्चंस लीड अस टू द वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो हु रियली ओन दो 7 की दैट कैन शट डाउन द कंप्यूटर। कैन इट बी पॉसिबल दैट मॉडर्न थैनोस गेट रियली मैड अबाउट द यूज ऑफ द इंटरनेट। Then he stole all the 7 keys and just in some fraction of second he turned off the internet. Well logically it is not possible. आइए जानते हैं कैसे। और हालांकि अभी तक मैं आपको इंटरनेट के बारे में बहुत जानकारियां दे चुकी हूँ, तो आई होप यू विल फाउंड इट लेस कॉम्प्लिकेटेड देन मी व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट दिस। तो आप ये बोल सकते हैं आइकन कुछ परम ज्ञानियों का झुंड है जिन्हें हम
द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स कहते हैं। उन लोगों ने मिलकर 7 कीज बनाई जो इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसे पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड आउट कर दिया। हु कैन शट डाउन रीबूट द इंटरनेट? वेल, शुरुआत होती है DNS से। अगर आपको नहीं पता DNS क्या है तो इसे समझने के लिए आपको ये जानना होगा दैट ऑल द कंप्यूटर्स दैट मेक अप द इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड वी लॉन्ग नंबर्स जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ट्विटर पर जाना है तो आपको 199.59.148.0 जो कि ट्विटर के IP एड्रेसेस में से एक है जो ट्विटर को होस्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट यू जस्ट राइट www.twitter.com जिससे आपके कंप्यूटर को कन्वर्ट करना पड़ता है इन देयर IP एड्रेसेस। कंप्यूटर को ये पता चल है रिकर्सिव नेम सर्वर से जो उसे रास्ता दिखाते हैं वर्ल्ड के 13 रूट सर्वर्स तक जो कि आपको सही तरीके से पहुंचाते हैं टू देयर perfect.com सर्वर्स हु सेंड यू टू द राइट ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर्स। यस, ट्विटर इज 199.59.148.0 स्वागत है, पर इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सर्वर सिस्टम को हैंडल करने के लिए कोई चाहिए बिकॉज इट इज अ वे कॉम्प्लिकेटेड देन हाउ मच इट साउंड सिंपल। सो दिस वर्ड DNS कैन डू एंड दे आर ऑथेंटिकेटेड थ्रू सिस्टम कॉल्ड DNSSEC जिसका फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। खैर, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि आखिर कौन है वो 7 लोग जिनके पास है वो 7 चाबियां जो हकीकत में इंटरनेट को बंद कर सकते हैं, उससे पहले आपको ये जानना होगा कि DNSSEC डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशंस कैसे काम करते हैं। सो द फर्स्ट आइडिया वाज असिमेट्रिकल इंस्क्रिप्शन व्हिच मीन अ प्रोसेस दैट यूजेस अ पेयर ऑफ रिलेटेड कीज वन पब्लिक एंड वन प्राइवेट टू इंस्क्रिप्ट एंड डिस्क्रिप्ट अ मैसेज एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और यूज। क्योंकि अगर ना किया जाए तो स्कैमर्स विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन। They will stole their IP addresses and use it for their purpose. For example, stealing the IP address of SBI and change it to give your account details, give OTP, we will scam you. And private keys and public keys, both of them are under some higher authorities. Par hamare topic ke liye public key is the most important one. जो कि ऑपरेट किया जाता है कुछ परम ज्ञानियों के झुंड के द्वारा, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, ICANN। हर वेबसाइट सिंगल वेबसाइट IP एड्रेस इन DNS रखे जाते हैं ICANN के सिंगल पब्लिक एंड प्राइवेट की में, जिससे हम कहते हैं ट्रस्ट एंकर। और आपकी जानकारी के लिए the ICANN's पब्लिक की इज दिस। नाउ the नंबर दैट मेक अप the प्राइवेट की दैट secures the होल DNS आर स्टोर इन हार्ड ड्राइव inside फिजिकल boxes कॉल्ड हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉडल और HSMS फॉर शॉर्ट। इनको रखा जाता है 2 ICANN stations जो बस एक दूसरे से 2500 माइल्स की दूरी पर हैं। पहले का लोकेशन है कर्ल पेपर वर्जीनिया और दूसरे का एल सेग्नोडो कैलिफोर्निया। अगर आप इसमें घुसने का सोच रहे हैं तो आपको बस कुछ ही मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे आर्म गार्ड्स, पिन पैड्स, कार्ड स्कैनर, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी एंड इन द लास्ट देयर विल बी सम एवेंजर्स ऑन बोथ सेंडर प्रिटेंडिंग टू बी द गॉड ऑफ इंटरनेट एंड लास्ट वन इज ओनली अ आउटपुट ऑफ माय सरकास्टिक माइंड। और अंत में जब आप उस हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉडल्स तक पहुंच जाएंगे, उसे खोलने के लिए आपको चाहिए 7 की कार्ड विच स्टोर इन सम अदर बॉक्सेस विच कैन ओनली बीन ओपन बाय 7 फिजिकल की, जिसके बारे में हमने यहाँ सारी चर्चा की। एंड 7 कीज आर होल्ड बाय 7 डिफरेंट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड हु कैन शट डाउन और रीसेट द इंटरनेट। और अब मैं उनके नाम बताने वाली हूँ, तो कभी भी आपका इंटरनेट काम ना करे सो यू कैन कॉल देयर मैनेजर। इनफैक्ट मैं भी यही करती जब मेरा इंटरनेट काम करना बंद कर देता। एंड अगेन दिस इज जस्ट अ जोक बाय माई सरकास्टिक माइंड। वेल, कुछ लोगों को लगता है ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज्यादा पावरफुल आप लोग हैं, क्योंकि आप जिस भी टॉपिक को कमेंट में सजेस्ट करेंगे हम उस पर वीडियो बनाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड दैट्स इट। दिस ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड अबाउट इंटरनेट। बट देर इज अ स्मॉल इंटरेस्टिंग फैक्ट अकॉर्डिंग सम साइंटिस्ट, फोन आर लाइक ड्रग्स टू मेनी ऑफ अस।
Cause the only way left for them having fun. In fact, some analytics also say that it is a source of income for many of us. हम में से कुछ लोग nomophobic भी हैं. They can't live without watching their phone, scrolling on internet, watching videos of porn remains same. क्या होगा ऐसे लोगों का अगर किसी दिन खबर आए that internet has been closed for forever now? सोच के देखिए.